की बड़ी विडम्बना है, बड़ा विचित्र बात है, एक बहुत बड़ी आडंबर है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सीख दी जाती है, दिन प्रतिदिन स्लोगन बनाए जाते हैं, जुमले कहे जाते हैं, और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बलात्कारियों को जेल से छुड़ाओ, कि कैसा विरोधाभास है, ये कैसी विडम्बना है, ये कैसा आडंबर है। जिस प्रकार से रिहाई जल्दी दी गई है उन लोगों को जो अभियुक्त नहीं है, एक्यूज नहीं है, जो दोषी ठहरा चुके हैं कोर्ट कचहरी द्वारा, अपील्स के बाद अंतिम निर्णय द्वारा उनको रिहा किया गया है, ये ऐसा काला धब्बा है जो इस सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कभी नहीं दूर सकता। ये हंसना योग्य है, ये घिनौना है, ये घृणात्मक है कि कोई भी चुनावित सरकार एक लोकतंत्र गणतंत्र में इस प्रकार से अपने एक अधिकार क्षेत्र, जिसको वो मानती है कि उसका अधिकार क्षेत्र है, उसका दुरुपयोग करके ऐसा काम करे। ऐसे बलात्कार वाले लोग जो कन्विक्ट हो गए हैं उनको रिहा करें। इतना घिनौना है कि केंद्र के मंत्री चुनाव के सस्ती राजनीति, नंगी राजनीति के आधार पर इसके उद्देश्य से ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता कि सामूहिक बलात्कार के ऑफेंस में, जिसमें 3-3.5 आयु के बच्चे, वर्षों के आयु के बच्चे, महिलाएं, गर्भवती महिलाओं की हत्या हुई और बलात्कार हुआ, उस विषय में आप छोड़ दें, रिहा कर दें, उसको मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। मैंने आपको उदाहरण दिया कि इसमें आज भी हलफनामे के बाद अकारण है, कारण सिर्फ एक है, नंगी राजनीति, सस्ती राजनीति। उसका पुष्टिकरण आपने किया है, राजनीतिक कैंपेन के दौरान एक सिटिंग मंत्री ये कहते हैं, इससे ज़्यादा घृणित चीज़ क्या होती है? क्या इस सरकार की पहचान ये है? क्या इस देश की अस्मिता और संस्कार ये है? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जज करने के लिए, निर्णय करने के लिए।